अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाइला ख़ान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्त अली। वकला बरादरी का पाकिस्तान 24 न्यूज़ के सेक्रेटेरिएट ऑफिस का दौरा। पाकिस्तान 24 न्यूज़ के CEO अब्दुल वहीद शेख ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। मेहमानों में एडवोकेट रब नवाज शर, मेंबर IELF मरकजी ऑर्गेनाइजर कमेटी ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट मुख्तार अली जुनेजो, साबिका असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट मुजफ्फर हुसैन सोलंगी, साबिका जज ATC कोर्ट, सीनियर एडवोकेट गुल मोहम्मद फारूकी, एडवोकेट गुलाम असगर खोड़ो, एडवोकेट फ़कीर मोहम्मद तनियो, एडवोकेट असगर अली अब्रो, एडवोकेट इमरान अली मिरानी, एडवोकेट माजिद अली कच्ची, एडवोकेट जैनुल आबिदीन पीरजादा, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल कुद्दूस शेख शामिल थे। इस मौके पर CEO पाकिस्तान 24 न्यूज़ अब्दुल वहीद शेख, ब्यूरो चीफ कराची डिवीज़न अली हसन राजपूत, चीफ रिपोर्टर अब्दुल रऊफ शेख, क्राइम रिपोर्टर इरफान शेख, रिपोर्टर बशीदार भी मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट ऑफिस में वकला बरादरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान 24 न्यूज़ के सेक्रेटेरिएट ऑफिस आकर हमें बहुत अच्छा लगा। उनका मजीद कहना था कि आज के इस अफरा तफरी के दौर में आवाम को सच्ची और हर पल की खबर से आगाह रखने में पाकिस्तान 24 न्यूज़ ने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी पाकिस्तान 24 न्यूज़ मजलूमों, गरीबों, मुस्तहिकों और ज़रूरतमंदों की आवाज़ आला हुकाम और आला इदारों तक पहुँचाता रहेगा। जब भी ज़रूरत पड़ी वकला बरादरी पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ है और हमेशा शाना बशाना खड़ी है। एप्का के चेयरमैन अब्दुल कुद्दूस शेख का भी यही कहना था कि पाकिस्तान 24 न्यूज़ सच्चे और मज़लूम लोगों की आवाज़ है और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले तबाह हाल लोगों की मदद कर सकें और इस कोशिश में कामयाब भी हुए। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ हैं। पाकिस्तान 24 न्यूज़ के CEO अब्दुल वहीद शेख ने मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया।